कानों को गलत तरीके से साफ करने के कारण कान के अंदर के हिस्से को नुकसान पहुंच सकता है। कान के अंदरूनी हिस्से को नुकसान पहुंचने से आप सुनने की शक्ति को भी खो सकते हैं। कान को साफ करने के दौरान की जाने वाली गलतियों के कारण आपके कान को नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि इसका सही तरीका क्या है। सबसे पहली बात, खुद से कान साफ ना करें। कानों को साफ करने के दौरान सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम इसे खुद साफ करने लगते हैं। आप केवल कानों को गंदगी से बचा सकते हैं, लेकिन अगर आप कानों को खुद से साफ करेंगे तो कानों की सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। अगर आपको लग रहा है कि आपके कान में वैक्स जमा हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाएं, कानों का चेकअप करवाएं और उसके बाद कानों को डॉक्टर साफ कर देगा। नुकीली चीजों से बचें। अपने कान को साफ करने के लिए कानों के अंदर किसी भी तरह की नुकीली चीज का इस्तेमाल ना करें। कई लोग कानों को साफ करने के लिए कैंची की टिप, चाबी या सेफ्टी पिन का इस्तेमाल कर लेते हैं। इनसे कानों के ईयर ड्रम में छेद हो सकता है। ऐसी चीजों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। कॉटन स्वैप से बचें। हम में से ज्यादातर लोग कानों को साफ करने के लिए कॉटन स्वैप का इस्तेमाल करते हैं। आपको कानों को साफ करने के लिए कॉटन स्वैप का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। कॉटन स्वैप से ईयर वैक्स अंदर पुश हो जाता है और इससे कान का पर्दा फटने की आशंका बढ़ जाती है। कई लोग कानों को साफ करने के लिए ईयर ड्रॉप्स की ज्यादा बूंदे कानों में डाल देते हैं। कानों में ज्यादा बूंदे डालने से कान में इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसे में ईयर ड्रॉप्स कोई भी यूज करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए चैनल से जुड़े रहें और बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।